बड़ी खुशी वाली गल है। पहला साढ़े नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन साहब तरसेम सिंह पिंडा जी ने उदा सवाल लिया, तो वास्ते अज निजर साहब आए उन्होंने जिया भी कहने। मिनी रोज़ गार्डन जरा अच्छा उद्घाटन किया है, ये 3.5 करोड़ की ना रेनोवेट। इतने बैडमिंटन कोर्ट बने ने, ज़्यादा पैसा तो उत्थे भी लग गया होना है। म्यूजिकल फाउंटेन लगे ने, दरख्त लगे ने, डेडिकेट अज असी कर रहे हैं। और मैं आस करता हूं कि लोग इतने आएंगे, उन्होंने मन की शांति प्राप्त होएगी, दिमागी संतुलन ठीक होएगा। सब इतने असी जरूर सोचा है कि असी फाउंटेन वगैरह लगा दीए, कोई भी दूरों भी नेड़े आके बंदा इतने इंजॉय कर सकता है। बाकी जिन्हें पार्क ने सारे शहर के पार्क से डिवेलप करने। मेरी एक बेनती है, ध्यान ना तुरै करिए। मैं देखो इन्ना रश करता, नवे नवे फुल लाए थे, वो तो पैर रखे, एक मिनट नहीं लाते। अभी निर्दयी नहीं क्यों गए हैं, साड़ी दया कितने गई, असं कितने गए, साडे पूर्व जोड़े इन्हें दयावान होंगे सके। प्लीज़ पैर ध्यान ना रखा करो, अभी तो कहने के कीड़ी ने मिली जाए। साडे मान साहब ने आंदे सार कहा सी मैं पंजाब नू रंगला पंजाब बनाना है, तो रंगला पंजाब हमेशा सुख सुविधावां दे के देखो सर जी मैं अपने इलाका निवासियों को भी बेनती करूँगा, देखो जी मेंटेनेंस है, एक घर बन गया मेंटेन तो असं आप सब ने रल के करना है। जिहड़ा पार्क है कल मंदहाली हालत च पिया सी, कांग्रेसी जिहदा झंडा चुक के कहिंदे ठीक करा देंगे ठीक करा देंगे, पहला पट देना तो मुड़ के नहारा लाना कि ठीक करा देंगे, लेकिन यह काम साड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार तो साढ़े MLA श्री अशोक पराशर पप्पी जी के करम सदका, तो साढ़े मंत्री साहब निज्जर साहब आम आदमी पार्टी जदों की सरकार आई है लोगों आशा और उम्मीदा दुगनिया तिगनिया हो गई, सरकार हौली हौली जड़े सारे जड़े उन्होंने वादे आ पूरे हो जाएंगे। जो उम्मीद रखी सी उम्मीदा पूरी करने वास्ते साड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार, साढ़े आम आदमी पार्टी के मुखी श्री अरविंद केजरीवाल की रहन वाई मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी और सारे मंत्री साहबान MLA साहबान अज वह उम्मीदों पूरी करने वास्ते वो ड्यूटी निभाने वास्ते जी पंजाब वासियों ने साड़ी लाई है और लगे हुए ने। द चिराग न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं संदीप चड्ढा स्वागत करता। लुधियाने शहर लिए एक खुशी की गल है कि जो खस्ता हालत के मिनी रोज़ गार्डन जो लुधियाना वासियों के हाथ से अज मिनी रोज़ गार्डन सुंदरता के नाल अज MLA अशोक पराशर पप्पी की नगराई के अज सुंदरता के नाल जो लुधियाना वासियों सरोपया जा रहा, जो निज्जर साहब जो स्पीकर साहब आ वो इतने पहुंचे आ उद्घाटन करने लिए, उन्होंने गलबात करते हैं कि किन्नी लागत के नाल जो प्रोजेक्ट है ये अज जो लुधियाने की जनता के हवाले किया जा रहा। एडवोकेट साढ़े नाल मौजूद है, गलबात करते हैं। सर की कहोगे अज जो उद्घाटन किया गया? देखो साढ़े मान साहब ने आंदे सार कहा सी मैं पंजाब नू रंगला पंजाब बनाना है, तो रंगला पंजाब हमेशा सुख सुविधावां दे के सेहत पक्षों सुविधावां दे के ही बनना है। सब तो पहला साढ़े मान साहब ने कई मोहल्ला क्लीनिक का उद्घाटन किया, अज बहुत ही वधिया तरीके नाल लोग उत्थे आनंद माण रहे ने। उस तो बाद जिहड़ा पार्क है कल मंदहाली हालत च पिया सी, कांग्रेसी जिहदा झंडा चुक के कहिंदे ठीक करा देंगे, पहला पट देना तो मुड़ के नहारा लाना कि ठीक करा देंगे, लेकिन यह काम साड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार तो साढ़े MLA श्री अशोक पराशर पप्पी जी के करम सदका, तो साढ़े मंत्री साहब निज्जर साहब साढ़े लोकल बॉडी मिनिस्टर साहब आ देखो जी कि सोहना है, हर पासे हरियाली है, देखने में भी सोहना लगता है। कहते अक भावे तो मन भावे तो तन भावे, ये साड़ी अखा कि सुकून मिल रहा है, ये तो शुरुआत है आम आदमी पार्टी की। सुकून इस तरह ही देखने मिलेगा या फिर अज उद्घाटन करके उस तो बाद कोई? देखो सर जी मैं अपने इलाका निवासियों को भी बेनती करूँगा, देखो जी मेंटेनेंस है, एक घर बन गया मेंटेन तो असं आप सब ने रल के करना है। ये जरूरी नहीं कि सरकार हर पासे मेंटेन ही करे, लेकिन सरकार की मुढ़ली जरूरत है। लोगों का भी इतने फर्ज बनता ना कि अगर लोगों के हाथ जे एक सुंदर महल बना के देता तो उन्होंने साफ सफाई करना तो एक माली के हाथ होंगे या फिर जनता के हाथ होंगे? देखो जी जनता ही इस गार्डन की माली है, मेरी सारों को पुरजोर अपील है सेंट्रल वासी हो, थोनों एक बहुत वधिया स्वर्ग मिले है, थोनों एक अच्छा स्थान मिल गया, बहन
सैर करन, ठीक है जी, इनू इस तरह हसदा वसदा तिरंगला रखियो, क्योंकि जिहड़ी सरकार दी पहल सी सरकार ने करती, साडे एमएलए साहब ने करती, मिनिस्टर साहब साहबान ने करती, हुण पहल ही है इत्थे गंदगी नहीं फैलानी, इहनू साफ सुथरा रखना है, ते इहनू वध तों वध वधिया तरीके नाल उद्घाटन कीता है। ये 3.5 करोड़ दी नाम रेनोवेट होया, इत्थे बैडमिंटन कोर्ट बने ने, ज़्यादा पैसा तो उत्थे भी लग गया होना है, म्यूजिकल फाउंटेन लगे ने, दरख्त लगे ने, आ ट्रेलिस चाड़ियाँ उत्ते कि सोनी विस्टेरिया की वेल चाढ़ी आ, सो बहुत सोहना रोज़ गार्डन है, मैं ख्याल लुधियाने के बेस्ट गार्डन चेक होएगा, और इस इलाके का सब तो वड्डा गार्डन है, तो लोगों डेडिकेट अज असी कर रहे हैं इनू, और मैं आस करता कि लोग इतने आएंगे उन्होंने मन की शांति प्राप्त होएगी, दिमागी संतुलन ठीक होएगा सब का, क्योंकि असं सारे रश में भीड़ भड़के चौहार नुची जी बजाब जाके सब अपना मन जो मानसिक संतुलन उन्होंने असं गुआ रहे हैं। ये जगह जिते आके बंदा अपना इमोशनली सुकून महसूस करेगा, तो घर जाके भी सुख का साह लै सकेगा, सो बड़ी चंगी जगह एक साढ़े वास्ते। सरकार का बड़ा वड्डा उपराला है, लेकिन इस तो साढ़े दिन करोड़ लग गया, लेकिन इस हम इस तो बाद संभाल प्लस सिक्योरिटी गार्ड वास्ते कि चार बंदे रखे वास्ते 3-4 बंदे रखने असं जे पक्के होणगे, पक्का ध्यान रखेंगे यदा, और माली भी रखा जो ध्यान रखे, अदरवाइज तो बनाने का फायदा कोई नहीं ना, चीज़ तो बनानी सौखी है, चीज़ मेनटेन करनी औखी है। सो लगातार कांग्रेस भी लगातार इतने पैसा खर्च दे रही है, तुम भी इतने हम आम आदमी पार्टी आई है, 3.5 करोड़ का लैके प्रोजेक्ट आए थे, लेकिन पैसा सिर्फ मिनी रोज़ गार्डन से क्यों खर्चा जाता है, तमाम शहर के इलाके है वो हल्के ने, उत्थे क्यों नहीं ऐसी चीज़ बनाई जा सकती, सेंटर हल्का ही क्यों चुनिया जाता, कांग्रेस के समय भी काफ़ी पैसा लग गया, इतने समय भी काफ़ी पैसा लग रहा उद्घाटन कर आते हो, लेकिन लोगों को सहूलत होर इलाकों में चाहिए ने, हर जगह कर रहे हैं बाग तो हर जगह बन रहे हैं, एक जगह नहीं बन रहे, पर क्योंकि एड्डी वड्डी खुली ग्राउंड जी बहुत जगह नहीं हैगी, सो इतने असं जरूर सोचा है कि असं फाउंटेन वगैरह लगा दीए, कोई भी दूरों भी नेड़े आके बंदा इतने इंजॉय कर सकता है, बाकी जिन्हें पार्क ने सारे शहर के पार्क से डिवेलप करने हैं, हर एक वार्ड हर एक वार्ड सिविल हॉस्पिटल कुछ इक्विपमेंट आई है, आप देख लेंगे जी और डिस्कस कर लेंगे, जो कोई इशूज है तो अपन मिनिस्टर साहब न मशीनरी आई है प्लास्टिक नू ओ भी पूरी की थी, डॉक्टर कार्ड बड़ी देर तो चली आ रही, मुलाजमान की कार्ड बड़ी देर तो चली आ रही है, सिर्फ डॉक्टर की क्यों, हर एक मुलाजम की कार्ड चली आ रही है, उन्होंने असं अगे तो देखो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक महकमे असी देखो मास्टर ही असं मैं 9,000 के लगे जागे असं इंपलॉय कर लेने, तुहाडे शहर च देखो 4,000 तो उत्ते असी जो सफाई कर्मचारी ने जो सीवर कर्मचारी ने वो कर रहे हैं, असी 900 तो उत्ते फायरमैन तो फायर अफसर लै रहे हैं, 350 के लागे असी लै रहे हैं, मैं अपने महकमे सिर्फ गल्ला करना थोड़ा हूँ जोड़े ड्राइवर्स ने फायर टेंडर वो असी लै रहे हैं, असी बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब हौली हौली करके असं इंप्लॉयमेंट वाले बने आ रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ना, मतलब एकदम नहीं होना, तो जो सोची एकदम ही सारे इंप्लॉयमेंट हो जाए इस तरह नहीं होनी, क्योंकि मैं समझ गया देख लेंगे, आप सरकार 0 टॉलरेंस रखती है, जो कोई भी किसी को प्रूफ हो गया किसी ने पैसे ले आ एक मिनट नहीं लगावे, अफसर जरा गवर्नमेंट कट के साइड कर देंगे, जो मुलाजम गलत प्रति है उन्होंने साइड कर देंगे, लेकिन कांग्रेस सिलेक्शन भी लिता उस मुलाजम ने, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के भी कई ऐसे लीडर मिल चुका हुआ, तो करप्शन जरा लगातार हो रहा, कई बेटे चले गए ने, कई पुत चले गए, लेकिन अज न रोजगार वास्ते लगे हुए हैं, कहते असं इन्ने पुराने कारपोरेशन के, लेकिन नवे अहदेदारों ने अपने बंद चावल नौकरियां दी ने, जो कोई नोटिस मेरे आएगा मेरे लैके मैं बाहर कट दाँगा, कोई ऐसी गल नहीं है, लेकिन मैं तो अंडरस्टैंड कर दें इस गल से, जनता की सपोर्ट कदों किया जाएगा सर मिनी रोज गार्डन, जनता मेरी बेनती है ध्यान ना तुरै करिए, मैं देखो इन्ना रश करता, नवे नवे फुल आए थे वो तो पैर रखे एक मिनट नहीं लाते, असं निर्दयी ने क्यों गए हैं, साड़ी दया कितने गई, असं कितने गए, साढ़े पूर्व जोड़े से दयावान होंगे सके, प्लीज़ पैर ध्यान ना रखा करो, अभी तो कहने कि कीड़ी ने मिधी जाए तो फुल मिधी जाने, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई वर्कर से जिन्होंने बूटे बड़े तोड़े ने, नहीं नहीं बूटा कोई नहीं टूटा, ये लाने वाले ने बूटा तोड़ने वाले है नहीं गए, आम आदमी पार्टी बूटा लाने वाली है, जिहड़ा 2 साल तो बूटा नहीं लगे वो अज लाता इन्होंने अपने, वो गिला वा वो 2 दिन के होर को एक कोर्ट फिरना वा उदू बाद आगे स्टार्ट करके वो लोगों के सपोर्ट कर लोग पप्पी प्रेशर जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस इलाके के लोगों की बहुत मदद करते हैं, सिविल हस्पताल के दौरे भी करते हैं, लेकिन असं भी चाहते हैं कि विधायक साहब का भी कितने ना कितने वधिया योगदान रहता, विधायक साहब भी थोड़ा जा वधिया, इन्हों का वैसे ही आशीर्वाद है मेरे साड़ी पार्टी की जिंद जान ने, लुधियाने की जिंद जान ने,
और जिस तरह कहते हैं असं नाल चलते हैं। अज साढ़े मंत्री साहब लोकल बॉडी सरदार इंद्रबीर सिंह नेजर साहब जो मिनी रोज़ गार्डन लुधियाने का उद्घाटन कर आए हैं, बड़ी खुशी वाली गल है। पहला साढ़े नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन साहब तरसेम सिंह पिंडर जी ने उत्थे आंदा सवालिया तो वो वास्ते अज नेजर साहब आए ने, उन्हें जिया भी कहने तो अज आम आदमी पार्टी जो लोगों ने उम्मीदा नाल वोटा पाईया सीगियां जो उम्मीद रखी सी उम्मीदा पूरी करने वास्ते साड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार साढ़े आम आदमी पार्टी के मुखी श्री अरविंद केजरीवाल की रहन वाई मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी और सारे मंत्री साहबान MLA साहबान अज वह उम्मीदा पूरी करने वास्ते वो ड्यूटी निभाने वास्ते जी वासियों ने साड़ी लाई है और लगे हुए हैं तनदही ना तो आने वाले समय के पंजाब चो करप्शन नशा गुंडागर्दी खत्म करके पंजाब नू विकास के राह तोरना आम आदमी पार्टी का मिशन आ ते बिल्कुल आने वाले समय के जो उम्मीदा लोगों रखी पूरी करांगे। विजय कुमार मौर्या जी भी साढ़े नाल मौजूद है। विजय कुमार जी किस तरह के देखते हो अज सुंदरता लुधियाने शहर की? देखो आम आदमी पार्टी जदों की सरकार आई है लोगों दीआं आशां और उम्मीदां दुगनिया तिगनिया हो गई सरकार हौली हौली जिहड़े सारे जिहड़े उन्हां दे वादे आ पूरे हो जाणगे। 8 महीने होए है तुसीं देखना जदों 2 साल पूरे होणगे तां तकरीबन 90% वादे पूरे हो चुके होणगे। आम आदमी का प्रयास आ लोग हुण कहिंदे वी आ फलानी सरकार ने बनाया फलानी सरकार ने बनाया। आम आदमी पार्टी एक इहो जी पार्टी है जिहड़ी कहिंदी है लोगों के पैसे नाल इह चीज़ां बनियां ने लोगों ने संभाल के भी रखनी है इनू मेनटेन भी करना सरकार की जिते तक इतने कोई होर इनू रेनोवेशन की लड़ पेगी या फरदर रिपेयर की लड़ पेगी वो सरकार खड़ी है लेकिन जिन्होंने रोज़ यह यूज़ करना उन्होंने यदा ध्यान रखना कि इनू किदा बरतना। हाँ अगे नालों हरियाली बहुत बढ़ गई है तुम देखो स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स खोलता बैडमिंटन कोर्ट बनाया ये टाइम बनाया गया कि इतने के लोग जोड़े खेड सकन तुम देखो गलिया मुहल्ले बच्चे बैट लैके खेड रहे हैं। यह सरकार चैलेंज है आम आदमी पार्टी चैलेंज है कि होर ग्राउंड्स होर प्लेग्राउंड डिवेलप करे ताकि गलिया मोहल्ले के बच्चों को भी फैसिलिटी मिले और तो रह ही नहीं गए सर जी लोग परेशान हो गए मेंटल डिप्रेशन से बड़े लोग चल गए। देखो सरकार को बहुत जमीन पईया ने साड़ी आम आदमी पार्टी की जी नीयत है ना वो साफ सुथरी है तुम देखो जो कोई किसी की फैक्ट्री लगनी होंगी है अडानी अंबानी की उदो बड़ी जगह निकल जाती है कितों निकल जाती है वो निकलती निकलती जाती है। आम आदमी पार्टी की नीयत साफ है इतने ग्राउंड्स होर असं भी कोशिश करा असं वॉलंटियर है गए हैं असं पार्टी को कहेंगे असं भगवंत मान जी को बेनती करा कि जिहड़ियां जगावां जिहड़ियां नजायज अद्धे कब्जे च पईआं उह छड़ा के उत्थे प्लेग्राउंड बनाया जाए। वार्ड नंबर 52 पहले मिनी रोज़ गार्डन का बहुत ही माड़े हालात सन ठीक है जी हुण साडे अशोक प्रैशर पप्पी जी ने इंद्रजीत सिंह निज्जर जी ने जो भी इत्थे उपराला करके जो वार्ड दे सिहत सहूलतां नूं दित्तियां असीं इह देख के बहुत खुश हुंदे आ। साडा भी फर्ज है असीं पूरे इस वार्ड की जिम्मेवारी लैंदे आ पूरा साफ सुथरा रखांगे असीं अशोक प्रैशर पप्पी जी का बहुत दिलों धन्नवाद करदे आ असीं जी बस इन्ना कुछ कहिंदे आ। ठीक हो गया जी अज्ज तुसीं वार्ड नंबर 2 इंचार्ज देखो जी मैं जब हूँ इत्थे आया तो इत्थे लोकी गल्लां कर रहे थे कि भी इत्थे आ के सानू इदां महसूस हो रहा है असीं मतलब फॉरन कंट्री दे विच है गए तो ये साडे मतलब कम दे नतीजे हैगे है ये लोगों दीआं भावनावां ने तो पहली बार मतलब शहर दे विच मतलब इन्ना सोहना मतलब एक छोटा जिहा हिस्सा ही लेकिन बहुत वधिया पार्क बनाया है। योग और सेवा परिवार का प्रेजिडेंट मैं गणपत राय विग मेरे साथ खड़े हैं योग और सेवा परिवार के पैटर्न डावर साहब और यहाँ पर योग और सेवा परिवार के चेयरमैन साहब बराड़ा साहब और पीछे मेरे अमरजीत सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट और भी बहुत सारे योग और सेवा परिवार के सदस्य और हमारे बड़े भाई सचदेवा साहब सचदेव साहब मेरे छोटे भाई हैं हम 21 साल से यहाँ पर योग करा रहे हैं और सचदेव साहब भी 21 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। योगा कराते हो जी? हाँ जी फ्री योग क्लास लगाते हैं हमारे 200 से ऊपर लाइफ मेंबर हो चुके हैं। यहाँ पर लेडीज़ भी बीच में होती हैं योगा क्लास में जेंट्स भी होते हैं नौजवान भी होते हैं बच्चे भी होते हैं और योग और सेवा परिवार हर महीने के पहले एतवार को 20 बच्चों को उनकी फीस उनके साथ स्वेटर दिए इस बार जैकेट दिए इस बार और ये मार्च तक उनका कार्यक्रम चलता रहेगा। ऐसा हमारा ये 5वां उपक्रम है 5 बार हम ऐसे बच्चों को इस मिनी रोज़ गार्डन में फीस और खाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेशनरी और बहुत सारी चीज़ें दे बैठे हैं। जब मैं 2000 में रिटायर हुआ तो सबसे पहले जब मिनी रोज़ गार्डन शुरू हुआ गोसाई जी ने शुरू किया तो उस समय
योग और सेवा परिवार की पहली क्लास यहाँ लगी जो आज तक लग रही है, और अब हमारी 5 क्लासें लगती हैं, एक यहाँ लगती है। आज उद्घाटन हो रहा है, उस बारे में क्या कहोगे? आज के निजर साहब आ रहे हैं, लोकल बॉडीज मंत्री, और पप्पी साहब आ रहे हैं, पप्पी पराशर जी हमारे अजीज हैं, हमारे एरिया के MLA हैं, उनके स्वागत के लिए हम सारे सदस्य अपने हार लेकर खड़े हैं उनके स्वागत के लिए। उन्होंने ये बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है इलाका वासियों को, निजर साहब ने और पप्पी साहब ने, जो काम है इलाके के ऊपर बड़े काम किए उन्होंने। यहाँ भी मिनी रोज गार्डन को दुल्हन की तरह सजा दिया उन्होंने, स्पीकर भी लगा दिए हैं, लाइटें लगा दी हैं, और जो फूल है वो लगा दिए हैं, घास बड़ी सुंदर है, फर्श बड़ा शानदार है। आपको ये लगता है कि लोग जहाँ आएंगे तो वो इसी तरह ही सुंदरता रखेंगे? लोग आएंगे, सुंदरता बनाए रखेंगे, पर सरकार का फर्ज है कि इसकी मेंटेनेंस के लिए व्यक्ति जरूर अपॉइंट करे। सरकार ही जिम्मेवार क्यों है? लोग भी तो, लोग भी उतने ही जिम्मेवार है, पर आजकल लोगों का हाल यही है, लोग कम जिम्मेवारी समझते हैं। जब तक कोई मेंटेनेंस करने वाला ना हो, कोई बाहर पहरेदार ना हो जो कुत्तों की एंट्री ना होने दे, कुत्ते के साथ जो सैर करने आते हैं उनको ना आने दे, तो लोगों के साथ सरकार का सहयोग चाहिए। सरकार के सहयोग के बिना लोग कुछ नहीं कर सकते। नायल सिंह, चिल्ड्रन पार्क मिनी रोज गार्डन का प्रेजिडेंट बोल रहे हैं। असी निजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पप्पी वीर जी का, MLA साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने सानू बहुत वधिया पार्क रेनोवेशन करा के दिता है। इन्हें बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। आज बहुत खुशी की गल है कि इस इलाके दे विच जो मिनी रोज गार्डन काफ़ी दिनों तो एक सुंदर उसारिया जा रहा सी, अज सत्कारयोग मंत्री साहब इंद्रबीर सिंह जी निजर साहब और सत्कारयोग साढ़े MLA अशोक प्रेशर जी पप्पी वालों ये जो सारी संग इलाके की जो संगत को ये मिनी रोज गार्डन सौंपण जा रहे हैं, बहुत ही वधाई दे पात्र हैं। असी अपनी भाईचारा वैलफेयर सोसायटी वालों और हरिओम क्लब वालों सारे जी इत्थे दे पब्लिक और मंत्री जिन्हें भी MLA साहब आ रहे सारे का आया तो धन्यवाद करते हैं। और मेरे नाल साढ़े सत्कारयोग चिल्ड्रन पार्क के साढ़े वीर करनैल सिंह जी, परमजीत सिंह जी, पम्मा जी, और योगा के वेग साहब, बराड़ साहब जी, सारे मेरे वीर डॉक्टर साहब संजीव जी और सारे मेरे वीर उन्होंने आया तो इतने धन्यवाद भी करना है, तो परमात्मा के अगे दवा करनी है सच्चे पातशाह जो भी इतने काम है जो रहा है परमात्मा इन्हों तंदुरुस्ती बख्शे। इस तरह ही ये इलाके की जो सुंदरता जो दिता है पार्क इस सुंदरता वधाते रहन। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। गलबात की जो स्पीकर निजर साहब जी ने, उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत के नाल जो अज सेंट्रल हल्के एक तोहफा दिता गया है, जो अशोक प्रेशर पप्पी जी वालों लोगों को जो तोहफा दिता गया, तो इस तरह लोगों को बेनती भी की थी जोड़ा ये तोहफा है इनू इस तरह ही उभार के रखना है कि जो सुंदरता इनू मेनटेन रखनी हैगी है। तो इतने के जो इलाके के सारे MLA मौजूद से उन्होंने भी गलबात की, दलजीत सिंह गरेवाल भोला जी ने एक शलाघा जो काम किया कि जो नशे को दूर होकर एक लोगों लिए एक जो प्रदूषण तो रहित एक जो गार्डन है इनू सुंदरता दे विच इत्थे तुसीं तस्वीर देख सकते हो, तो सुंदरता की तरफ इनू एक नुहारिया गया। तो इस तरह ही इस सुंदरता बनाए रखना है। लुधियाना वासियों को बेनती है साढ़े चैनल वालों भी, तो जो इत्थे आए हुए मुख्य मेहमानों वालों भी बेनती हैगी कि इस सुंदरता इस तरह ही लुधियाना की शान को इस तरह ही सुंदरता बना के रखना। पल तल अपडेट के नाल मैं संदीप चड्डा चिराग न्यूज़ तो सहम दे।